सानह साहिवाल मकतूल जीशान और खलील के अहले खाना इस्लामाबाद रवाना। मकतूलीन के अहले खाना के इस्लामाबाद में सैनेट कमेटी के रूबरू पेश होंगे। अहले खाना को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद रवाना किया गया है। सानह साहिवाल मकतूल खलील और जीशान के अहले खाना का JIT रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। जुडिशल कमीशन की तश्कील या मामला फौजी अदालत भेजने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद रवानगी से कबल मकतूलीन के अहले खाना ने मीडिया से गुफ्तगू की। मकतूल खलील के भाई जलील ने कहा कि केस की हसासियत के मुताबिक तहकीकात फौजी अदालत में होनी चाहिए। मकतूल जीशान की वालिदा का कहना था कोट लखपत पुलिस की मुलाकात से मुतालिक झूठी रिपोर्ट से तकलीफ हुई। मकतूल जीशान के भाई एहतशाम ने कहा कि हम फिर उम्मीद लेकर जा रहे हैं, इंसाफ मिलेगा, हमारा केस फौजी अदालत में जाना चाहिए। अदालती कमीशन चाहिए हमें, हमें इस JIT पे मुतमिन नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा कि ये इंसाफ। जब तो पानी को भी तरस रहे थे कि पानी नहीं मिला पीने को, किसी ने पूछा ही नहीं कि आप आए हैं, कैसे आए हो, क्यों आए हो, अंदर आ जाओ। मैं तो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकली। बड़ी उम्मीद से पिछली बार भी गए थे, इस बार दोबारा बड़ी उम्मीदें लेके जा रहे हैं। मैं इनसे मुतमिन नहीं हूँ, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। महकमा माहौलियात की गफलत या चश्मपोशी, सगिया के इलाके में नाकारा जूते और रबड़ भट्टियों में जलाने का अमल जारी। मंजूर पार्क में रबड़ और प्लास्टिक की अशिया बनाने के कारखाने फजा को आलूदा करने में मसरूफ। सगिया पार्क में सैर के लिए आने वाले शहरी सख्त परेशान। पंजाब हुकूमत ने सूबे को साफ सुथरा बनाने के लिए मुतहर्रिक, सफाई की निगरान कंपनियों में नए अफसर लगा दिए। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों की सॉलिड वेस्ट कंपनियों के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तायुनात। चौधरी खालिद नजीर वट्टू LWMC के CEO लगा दिए गए। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अहकाम जारी। मानसून से निपटने के लिए काबिल वक्त तैयारियां, वासा हुकाम ने कमर कस ली। नालों से डी सल्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया। LOS नाले पर भारी मशीनरी से सफाई मुहिम का आगाज हो गया। DGLDA आमना इमरान और MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने सफाई अमल का जायजा लिया। रेस्क्यू 1122 में गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी का दायरा कार वसी। महकमा एंटी करप्शन ने अफसरान की भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। DDHR डॉक्टर फवाद शहजाद मिर्जा को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। एंटी करप्शन ने हेड ऑफ लॉ अली हसन की डिग्री, तजर्बा सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड भी मांग लिया। पंजाब असम्बली की नई इजाफी कायमा कमेटियों का कयाम। हायर एजुकेशन और स्कूल्स की अलग अलग कायमा कमेटी बना दी गई। प्राइमरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ की भी अलग अलग कमेटी कायम कर दी गई। कायमा कमेटियों की तादाद 36 से बढ़कर 40 हो गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में चोरियां और डाके ना रुक सके। सब्जाजार में डाकुओं की फार्मेसी पर लूटमार। नकाबपोश डाकुओं ने 2.5 लाख रुपए लूट लिए, फायरिंग भी की। डकैती की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल, पुलिस डाकू पकड़ने में नाकाम। पुलिस शहर में जराइम पर काबू पाने के लिए सरगर्म। टाउनशिप पुलिस ने कार्रवाई करके 1 मुनशियात फरोश और 2 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मुनशियात, पतंगें, डोर और नाजायज असलिया बरामद। मुलजिम वक्कास निजी यूनिवर्सिटी में मुनशियात सप्लाई करता था, जबकि मुलजिम पारिस और इरशाद के कब्जे से पतंगें, डोर और असलिया बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के 33 अफसरान DIG के ओहदे पर तरक्की पा गए। काशिफ मुश्ताक कांजू, अफजाल अहमद कौसर, तैयब हाफिज चीमा, जुबैर दरेशक, बाबर सईद DIG बन गए। मुजाहिद अकबर, जवाद अहमद डोगर, इमरान अहमद, मोहम्मद गौहर नफीस, नासिर आफ्ताब को भी तरक्की पाने वालों में शामिल। पाक नेपाल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज अलहमरा हॉल में ट्रॉफी की रंगारंग तकरीबें रोनुमाई। तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग नुमाया, रिवायती कल्चर डांस परफॉर्मेंसेज ने मेहमान टीम के दिल जीत लिए।
और शहर में सर्दी का राज बरकरार। मौसम का हाल बताने वालों की आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान।